जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्योत फार्मा हेल्थ केयर पर। आज हम इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से जानेंगे साफी सिरप के नुकसान, फायदा और सेवन करने की विधि को, और साथ में जानेंगे साफी सिरप की सावधानियां क्या क्या रखनी है। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, भारत के लोगों ने किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा साफी सिरप के बारे में, और यह भारत का जाना माना ब्लड प्यूरिफाइड सिरप है। और दोस्तों, यह खून साफ करने वाला बेहतरीन प्रोडक्ट है, और यह भारत के जानी मानी कंपनी हमदर्द द्वारा बनाई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर अद्भुत फायदे के बारे में जानकारी दूंगा। इस प्रोडक्ट को कब और कैसे लेना चाहिए और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और इस सिरप को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है। और दोस्तों, बात करते हैं इस सिरप के प्रोडक्ट को 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम सिरप की बोतल आती है, जो कि यह सिरप किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। और चलिए अब हम बात करते हैं इस सिरप के अद्भुत फायदे के बारे में। नंबर वन, अगर जिनके चेहरे पर झाइयाँ के निशान हो, दर्दनाक मुहासे के निशान हो, या फोड़े फुंसी के निशान हो, या स्किन बहुत ही ज़्यादा आयली हो, इन सब बीमारियों में साफी सिरप बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि साफी सिरप हमारे खून को साफ करता है, और जब खून हमारी साफ होती है तो चेहरा साफ दिखता है, चेहरा चमकने जैसा लगता है, और चेहरा पे बड़ी आकर्षण की तरह देखने को मिलती है। नंबर टू, अगर हमारी स्किन खुश्क हो गई हो, इचिंग हो रही हो, यानी खुजली की कोई भी समस्या हो, यानी स्किन के कोई भी बीमारी हो, इन सब चीज़ों के लिए साफी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर थ्री, दोस्तों, साफी का सेवन करने से बालों को काफ़ी चमकदार बना सकता है, और आपके बालों को झड़ने से रोक सकता है, यानी डैंड्रफ की समस्या हो उसे भी ख़त्म कर सकता है, और बालों की ग्रोथ यानी लंबाई न बढ़ती हो उस समस्या को भी ठीक कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, साफी सिरप का सेवन करने से अधिक तरह की फायदा देखने को मिलती है। नंबर फोर, दोस्तों, वेट यानी मोटापा कम करना चाहते हैं तो साफी उसमें काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि साफी का सेवन करने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, और हमारे शरीर में पाचन क्रिया यानी डाइजेशन क्रिया भी अच्छा होता है। नंबर फिफ्थ, दोस्तों, साफी का सेवन करने से हमारे शरीर में जो भी विषैली पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है, और शरीर को अंदर से साफ करता है, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, और ऐसा करने से हमारे शरीर को अंदर और बाहर से स्वस्थ देखने को मिलता है। दोस्तों, यह प्रोडक्ट इसलिए इतनी खास है क्योंकि इसके अंदर अब्राहमी, कासनी, तुलसी, नीम, बबूल, चंदन आदि ऐसे जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं, जो इस सिरप को इतना खास बनाता है। दोस्तों, अब बात करें सेवन करने की विधि को। दोस्तों, हम इस सिरप को दिन में दो बार ले सकते हैं अपने एज यानी उम्र की अकॉर्डिंग। आधा गिलास पानी में 7 से 10 ml ले सकते हैं। अगर हम गुनगुने पानी से लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको डबल देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साफी सिरप की सावधानियाँ। यदि हम साफी सिरप का सेवन करते हैं तो जंक फूड नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी और स्पाइसी यानी तेल मिर्च नहीं खानी है। यदि हम इन सभी चीज़ों को नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो हमारे शरीर को 100%
रिजल्ट देखने को मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लगभग एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना है। दोस्तों यह बात ध्यान रहे, साफ़ी सिरप का सेवन कभी खाली पेट नहीं पीना है और खाना खाने के एक घंटा के बाद ले सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए बताई गई है, जो भी दवा लें अपने डॉक्टर के सलाह से लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से मेरा धन्यवाद। और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।